नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो भी हमारे परमानेंट प्लांट थे अभी वो डोरमेंसी पीरियड से निकल के आ रहे हैं, यानी सुप्त अवस्था से निकल के आ रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि इनको हमें कुछ एनर्जी वाली चीज़ें देनी होती है, ताकि जो प्लांट होते हैं इनके जो नए नए सोर्स नए जो ग्रोथ हो रही है उनको हेल्प मिल सके और इनकी दोगुनी तेज़ी से ग्रोथ हो सके। जैसे कि हम लोगों को जब मॉर्निंग में हम जब उठते हैं तो सुबह कॉफ़ी है या चाय है, इसको पीने से ताज़गी मिलती है और काम करने में मन लगता है। वैसे ही हमारे प्लांट होते हैं, जब डोरमेंसी से बाहर आते हैं तो उनको हमें कुछ ना कुछ चीज़ें देनी होती हो, चाहे हम घर से बना के दें या फिर मार्केट से ला के चीज़ें दें। तो वही चीज़ें फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो आप घर पर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात, उसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाएंगे, जो कि एक प्लांट के लिए पूरक आहार जिसको कहते हैं वो होगा। तो वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा क्या है कैसे है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। डोरमेंसी जैसे फ्रेंड्स पीरियड बीतता है, वैसे ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डोरमेंसी से बाहर आने लगते हैं, उनकी ग्रोथ होने लगती है, नई नई स्टेम नई नई सोर्स निकलने लगते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं क्या दें अपने प्लांट को ताकि उनकी ग्रोथ और अच्छे से दोगुनी तेज़ी से होने लगे। तो उसी के लिए मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, बिल्कुल ईजी है, हमारे घर में अवेलेबल भी हो जाता है और ये ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ओनियन पील, यानी जो प्याज के छिलके होते हैं, और जो नींबू हम लोग निचोड़ के फेंक देते हैं, रस निकाल के उनको फेंक देते हैं, वो है यहाँ पे नींबू के टुकड़े, यानी कि एक नींबू उसको काटेंगे तो उसके दो स्लाइसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो नींबू के टुकड़े हैं, इनको मैंने फ्रेंड्स 5 दिन तक कंपोस्ट किया है, यानी कि जो हमारा प्याज का छिलका है नींबू के जो छिलके हैं उनको मैंने 5 दिन तक ही रखा हुआ था, ताकि अच्छे से कंपोस्ट हो सके। इनमें का जो क्या बोलते विटामिन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स से सारी चीज़ें इसमें घुल के लिक्विड में आ जाए, जो पौधे के लिए फ्रेंड्स बहुत ही हेल्पफुल होता है। इनके जो मतलब नींबू के जो रस होते हैं तो हेल्पफुल होते हैं हमारे सेहत के लिए, और जो उनके पत्ती या सॉरी छिलके जो होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए भी अच्छे होते हैं। तो उनको और प्याज के छिलके तो पूछिए मत कितने लाभदायक होते हैं हमारे प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैंने इनको 5 दिन तक ही रखा था, 5 दिन तक ही इसलिए रखा था फ्रेंड्स क्योंकि कंपोस्ट होने में ठंडी में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स अभी ठंड हो रही है। तो यहाँ मैं जो जिस प्लांट में देने वाली हूँ वो है हमारा गार्डनिया, यानी कि गंधराज। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने परमानेंट सारे प्लांट में दे सकते हैं, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, गुड़हल हो गया, मोगरा हो गया, चांदनी हो गई, और भी प्लांट्स से परमानेंट के सारे भी प्लांट्स को दे सकते हैं। किस मात्रा में कैसे देना है सारा मैं बताऊंगी। उसके पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, मिट्टी बिल्कुल आप जब भी फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ठंड नहीं गई है, तो मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर लें। जिस दिन आपको देना है फर्टिलाइज़र उसके एक दिन पहले से पानी ना दें, गुड़ाई करके उनको अच्छे से सुखा लीजिए, फिर उसके बाद में आप इनमें ये फर्टिलाइज़र दीजिए। और फ्रेंड्स डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं देना है, आपको उसमें पानी ऐड करके देना है। तो यहाँ पे मैं पहले इनको अलग कर लेती हूँ, छान लेती हूँ, क्योंकि 5 दिन तक ही रखा हुआ है तो लिक्विड जो होता है ज़्यादा दिन रखने से ज़्यादा ही थिकी हो जाता है। दिन में पानी ऐड करके ज़रूर दीजिएगा। हमेशा जब भी फ्रेंड्स आप लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट का बनाते हो उस टाइम इनमें पानी मिलाकर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, अगर ज़्यादा दिन हम रखेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ही बनता जाता है इनका जो लिक्विड होता है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल रेड हो गया था, ये देखिए, इसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं इनको, हम 1, 2, 3 बार जितनी बार भी करना चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 1 कप तो होगा ही, ये तो 1 कप में मैं यहाँ पे कम से कम नहीं तो 4 गुना पानी ऐड करूँगी, यानी कि इसमें मैं 8 या 10 कप पानी लेने वाली हूँ। तो इसमें पहले मैं पानी ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद में यहाँ पर मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं दूंगी, मिला के ही दूंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स देना है, जिस तरीके का आपका गमला हो उसी हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम दे पूरा मिट्टी गीली हो जाए तभी वो जड़े तक पहुंची रहेगी। कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे से ऊपर ऊपर ऐसे डाल देते, नीचे तक जाता ही नहीं तो मिट्टी में रह जाती फ्रेंड्स, तो जड़ों में कैसे जाएगी। तो हमेशा आप दे तो पूरा मिट्टी गीली हो जानी चाहिए, ताकि वो जड़ों तक जाके आपके पौधों तक पहुँचाए। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 4 गुना पानी लिया हुआ है, और मैं चारों तरफ से दूंगी ताकि ये पूरे जाके जड़ में पहुंच जाए। हमारे गार्डनिया का प्लांट है तो इनको अभी इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
तो इस तरीके से आप बना के ऑनियन पील है हमारा, लेमन जो पील होता है उनका भी दे सकते हैं, ऑरेंज पील है उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से बना के देना है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो आप जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे मैंने दे दिया हुआ। यहाँ पे देखिए नए नए मतलब जब मैंने बोला स्टार्टिंग में जब ये डोरमेंसी से बाहर निकल के आते तो इसमें शूटिंग शुरू हो जाती है और जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो झड़ने लगती हैं, नई पत्तियाँ आने लगती हैं, स्टेम न्यू आने लगती है। तो इनके ग्रोथ के लिए हमें इस तरीके से इनको एनर्जी जो हम लोग बोलते नहीं एनर्जी ड्रिंक वगैरह वैसे एनर्जी इनको देना चाहिए। किसी भी तरीके से आप दे सकते हो, आप किचन वेस्ट भी दे सकते हो, आपका कुछ स्पेशल हो जो देते हैं ऑर्गेनिक या केमिकल वाला भी दे सकते हैं। तो मैं हमेशा फ्रेंड्स ऐसे वीडियो जब शेयर करती हूँ तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये जो बची हुई चीज़ें होती हैं इनको दोबारा आप चाहे ऐसे गमले में डाल दें, मिट्टी में दबा दें या फिर से इसमें पानी डाल के दोबारा बना सकते हैं। इनको बता दूँ किस किस प्लांट पर आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स, आप हिबिस्कस पे यूज़ कर सकते हैं, बोगनविला है आपका और सिर्फ जितने भी परमानेंट प्लांट है सारे पे दे सकते हैं। बस जब आप दें डायरेक्ट ऐसे आप ना दें बिल्कुल मतलब पतला सा घोल बना के दीजिएगा। एक कप है तो एक कप में आप कम से कम नहीं 10-12 कप मिलाइएगा तब दीजिएगा, क्योंकि जब टिक्की हो जाता है थोड़ा सा फंगस लगने का डर होता है किचन वेस्ट से। तो इस तरीके से आप मिला के दीजिएगा, देखिएगा आपका प्लांट कैसे ग्रोथ करता है। इसमें फिर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें पाई जाती हैं हमारे जो बनाना पील्स हैं और लेमन में है। ये एसिडिक सॉइल बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट को दे सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो न्यू प्लांट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।